बेल पेपर्स थे, मैंने तीनों बेल पेपर्स, ग्रीन रेड एंड येलो बेल पेपर्स एंड कैरेट्स एंड फ्रेंच बीन्स, ये सब मैंने काट कर लंबे लंबे इसमें मैं इसको अब फ्राई कर रही हूँ। आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है वरना इसका क्रंच लूज़ हो जाएगा। आपको बस तेल में इसको फ्राई करके हल्का सा 3-4 मिनट फ्राई करके आपको निकाल लेना है। हमने थोड़ी सी तैयारी कर रखी है, हमने गैस पर जिसमें हमने वेजिटेबल्स को फ्राई किया था और फ्राई करके निकाल लिया था, उसी गैस पर हमने कुछ टुकड़े दालचीनी के और इलायची के, हरी इलायची के, और एक टुकड़ा मोटी इलायची का हमने कढ़ाई में डाल दिया है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसमें हम लगभग 3 चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है कैश्यू मगज़ दाना का पेस्ट। मैंने कैश्यू और मगज़ दाने को गर्म पानी में सोक करके रखा था और फिर मैंने उसको पीस लिया है। बिल्कुल फाइन पेस्ट आपको कर लेना है और 3 टमाटर और हरी मिर्च का भी आपको पेस्ट करना है। मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। हमारा अदरक अच्छे से भुन चुका है, मैंने कढ़ाई को बिना धोए ही उसमें मसाले को भून लिया था। आप चाहे तो कढ़ाई को वेजिटेबल्स फ्राई करने के बाद एक बार धो सकते हैं। अब हम मैंने यहाँ पर वो जो 3 टमाटर थे और 3 हरी मिर्ची थी उसका पेस्ट मैंने कर लिया है मिक्सर में, और अब जब अदरक हो जाएगा तो हमें ये अच्छे से बिल्कुल डाल देना है और फिर हमें इसको अच्छे से इस टमाटर को भून लेना है। कम से कम 5-7 मिनट तक तो आपको इसको भूनना ही है। टमाटो प्यूरी भी हम ले सकते थे, लेकिन जब मैं भोग वगैरह बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ जितना कम मैं प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें यूज़ करूँ और जितना नेचुरल मैं यूज़ कर सकूँ मैं वही प्रेफर करती हूँ। अब आपको इसको अच्छे से जब तक तेल ना छोड़ दे इसको आपको चलाते रहना है। आप जन्माष्टमी में लोग मिठाई का ही भोग लगाते हैं, अन्न नहीं लगाते, बट मैंने भागवत की एक प्रोग्राम चल रही थी वहाँ मैंने सुना कि व्रत तो भक्तों के लिए होता है और जिनका स्वयं का जन्मदिन है, जो इस जगत के पालनहार हैं, उनके जन्मदिन में ही हम उन्हें बस मीठे का ही भोग लगाए। आना जी को तो 56 भोग बहुत पसंद है, तो आप ऐसे ही नो गार्लिक डिशेज में ट्राई करूँगी पोस्ट करने का और आप ज़रूर ट्राई करते रहिएगा। अब देखिए धीरे धीरे ऑयल सेपरेट हो रहा है, अभी आप देख सकते हैं मसाला पूरी तरीके से भुन गया है और तेल पूरा छोड़ दिया है ग्रेवी ने, और अब हम इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले डालेंगे। जो है ये आपका है भुना हुआ जीरा का पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आप अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं ये 1 टीस्पून है, और गोल मिर्च पाउडर है चुटकी भर, और ये कोरिएंडर पाउडर है 1 टेबलस्पून, और यहाँ पे हमने काजू और मगज का पेस्ट ले लिया है। ये स्मॉल बोल है आपके 10 से 12 टेबलस्पून के लगभग है ये काजू एंड मगज का पेस्ट, और लास्ट में हम फ्रेश क्रीम भी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मसाला अभी भुन रहा है और अब इस मसाले में हम डालेंगे, एक एक करके हम ये सारे मसाले डालेंगे। पहले हम ये धनिया डालते हैं, फिर अब हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे, और हम हल्दी और गरम मसाला का पाउडर भी डाल देंगे। 5 मिनट तक इस मसाले को भून लिया है और अब हमने जो कैश्यू एंड मगज़ दाने का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। अब 5 मिनट्स हमने कुक किया काजू को भी, एंड काजू ने भी पूरी तरह से ऑयल को छोड़ दिया है, काजू के पेस्ट ने भी। अब इसी वक्त में हम डालेंगे हमारे वेजिटेबल्स जो हमने सारे
फ्राई किए थे। अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ऑयल छूट गया है और हमने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी में पनीर को सोक करके रखा हुआ है, ये अब हम इसमें ऐड करेंगे। देख सकते हैं मसाला ने पूरा ऑयल छोड़ दिया है और अब हम इसमें, हमने थोड़ा सा गर्म पानी में पनीर को सोक करके रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। हमने पनीर को भी ऐड कर दिया है। पनीर ऐड करके हल्का सा हमें इसको स्टोर करना है और अब हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। अमूल का फ्रेश क्रीम मैंने लिया है। आप चाहे तो इसमें कोई भी सीजनल वेजिटेबल डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें मशरूम डाल सकते हैं, आप चाहे तो हरी मटर डाल सकते हैं, आप इसमें अमेरिकन कॉर्न भी डाल सकते हैं। हम अराउंड 4 to 5 बिग टेबल स्पून्स ऑफ क्रीम ऐड करेंगे इसमें। हमने अभी इसमें ऐड किया है 1 कप दूध ग्रेवी को थोड़ा सा पतला करने के लिए, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के लिए हमने इसमें दूध डाला है और हमने इसमें ऊपर से डाला है 1 बड़ा चम्मच घी और आप स्वादानुसार नमक अभी इसी स्टेज पर डाल दें। दूध डालने के पहले हमें नमक नहीं डालना चाहिए। नमक जब, अगर हम दूध ऐड करते किसी रेसिपी में तो हमें सॉल्ट सबसे लास्ट में डालनी चाहिए। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। आप चाहो तो आप कसूरी मेथी को भी क्रश करके, रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके इसमें डाल सकते हो। बस ये रेडी है। अब हमें इसको 5 मिनट्स के लिए ढककर पकाना है एंड इट विल बी रेडी। मिक्स वेजिटेबल बनाया था उसका वो कान्हा जी को लगा दिया है, साथ में रोटी है और मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में और इस रेसिपी की अच्छे से पूरा मैं रिटन रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर रेसिपी चेक कर लेना। और जन्माष्टमी में आप कान्हा जी के लिए या जब भी बीच में भोग बनाते हो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। राधे राधे।